अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अवैस रजा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बलदान पैर। उम्मीद करता हूं दोस्त खैरियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरांवाला में, आप दोस्तों की भरपूर फरमाइश से कवर करने के लिए आए हैं जुबैर अनवर भाई का ब्रीडिंग फार्म। आए उनसे मुलाकात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सैयद जुबैर अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या है भाई जान? ठीक है, खैरियत है भाई जान? जो आपको नहीं जानते, वैसे तो माशाल्लाह से आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जो दोस्त आपको नहीं जानते, खास तौर पे हमें बहुत से दोस्त इंडिया से देखते हैं, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, वैसे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में देखते हैं, तो उन दोस्तों के लिए आप अपना तारुफ करा दें जो दोस्त आपको नहीं जानते। मेरा नाम जी सैयद जुबैर अनवर है और बर्ड्स में काफ़ी अच्छा मुझे हो गया, तकरीबन 26 साल हो गए हैं बर्ड्स हॉबी को करते हुए। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके मैंने ये फॉर्म को सारा डेवलप किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो मेरी पैशन है वो मकाओ के हवाले से है। इसके अलावा फिर मेरे पास डिफरेंट सारे बर्ड्स तकरीबन अवेलेबल हैं, जिसमें ग्रे पैरट्स हैं, काकाटूज हैं, रिंगनेक है, रा है, कनोर है, और थोड़े से 5-7 जोड़े पेयर्स जो हैं वो लबड़ के सिर्फ शौक के लिए रखे हैं, वो अवेलेबल होंगे। लेकिन जो असल मेरा शौक है वो मकाओ की ब्रीडिंग के हवाले से। जुबैर भाई ये बताएं कि आपके फार्म पर कितने केज अवेलेबल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे पास जो अवेलेबल हैं वो 500+ केजेस अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी मेरे पास जगह है, साथ साथ मैं डेवलप कर रहा हूँ। मेरी हैबिट है कि मैं साथ साथ अपनी ब्रीड को रोकता हूँ। जैसे मकाओ भी हैं, सेवरी में भी जब आप देखेंगे तो इसमें कई पीस ऐसे हैं जो भी छोटे हैं, उनको मैं खुद बड़ा कर रहा हूँ और फिर उसके बाद उनको ब्रीडिंग की तरफ लेके जाता हूँ। इस तरह रिंगनेक, रा, ग्रे सब मैं इसी तरह करता हूँ कि हर साल अपनी कुछ ना कुछ ब्रीड को रोकता हूँ और उसको आहिस्ता आहिस्ता ब्रीडिंग की तरफ लेके जाता हूँ। सबसे पहले क्या दिखा रहे हैं आप हमें? इंशाल्लाह ताला मैं आपको सबसे पहले अपनी एवरी दिखाऊंगा, जिसको मैं ब्रीडिंग सीजन के बाद अपने बर्ड्स जितने भी बड़े बर्ड हैं, ग्रे, मकाओ, मेरी कोशिश होती है कि मैं एवरी में शिफ्ट करूं। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी एवरी ही दिखाऊंगा। आज दोपहर भी के फार्म पे आए हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इन्होंने एवरी वगैरह बनाई हुई है, तो इनसे मिले हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और इंशाल्लाह अपने व्यूवर्स को भी सिखाएंगे। हाँ जी इंशाल्लाह, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके और बहुत इन्फॉर्मेशन मिली आपसे। बहुत शुक्रिया। ये स्कारलेट का पेयर है, 2012 से मेरे पास है और अल्हम्दुलिल्लाह 2012 से ये ब्रीड कर रहा है और पाकिस्तान में स्कारलेट की ब्रीड इतनी कोई आसान नहीं है और पाकिस्तान बहुत कम लोगों का ब्रीड कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये पिछले 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड कर रहा है। जुबैर भाई ये बताएं कि आपके पास कितने मौजूद हैं स्कारलेट के पेयर? मेरे पास स्कारलेट के 2 पेयर हैं। 2 पेयर हैं। जुबैर भाई ये बताएं कि स्कारलेट की जो चिक है उसकी क्या प्राइस है? स्कारलेट का चिक इस वक्त जो सीजन था उस वक्त 8 लाख के करीब उसकी प्राइस है सेल्फ पे। और इसके अलावा जो बड़ा जोड़ा उसकी क्या कीमत है? बड़ा जोड़ा डिपेंड करता है बर्ड की कंडीशन पे, आपको 18 लाख का भी मिल जाएगा लेकिन अच्छा बर्ड आपको 20-22 लाख रुपए का मिलता है। जुबैर भाई स्कारलेट को लेके आपके क्या फ्यूचर प्लान है? मैं हर साल एक एक दो दो करके इसके चिक रोक लेता हूँ। पिछले साल भी मैंने एक चिक रोका था, एक इस साल भी रोका है, तो ऐसा ऐसा करके उसे डेवलप। आपके पास कितने क्लच कर रहे हैं ये? मेरे पास स्कारलेट जो है 3 क्लच करता है। पहले मैं होता था कि 3 से ज़्यादा क्लच ले लेता था, लेकिन अब मेरा कोई भी मकाओ जो है मैं 3 क्लच से ऊपर नहीं जाने देता, उसे बर्ड वीक हो जाता है और नेक्स्ट सीजन में आपको प्रॉब्लम करता है वो। अरे क्या ऐसी ट्रिक या क्या ऐसा फार्मूला है जिसकी वजह से आप स्कारलेट मकाओ की कामयाबी से ब्रीड पाकिस्तान में हासिल कर रहे हैं? सुनने में आता है इंतहाई टफ ब्रीडर है, लेकिन माशाल्लाह आप कामयाबी से ब्रीड करा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो अल्लाह का फजल है और मैं समझता हूँ कि अगर आप बर्ड को अच्छी डाइट दें, आप जैसे ये देख लें कि अब इसे बर्ड सारे ब्रीडिंग केजेस से निकाल के मैंने एवरी में छोड़ दिए हुए हैं। आप थोड़ा सा इनको, क्योंकि जब ब्रीडिंग सीजन होता है हम इनको हाई फैट हाई प्रोटीन दे रहे होते हैं, तो वो उनके लिए ज़रूरी होता है कि उन बर्ड को एक्सरसाइज भी दी जाए, तो इसलिए मैं 3 महीने के लिए इनको एवरी में शिफ्ट कर देता हूँ। एवरी ये 12 फुट ऊँची है, 35 फुट चौड़ी है और 70 फुट लंबी है। माशाल्लाह ब्लू एंड गोल्ड जो है, मैं अक्सर जो नए मकाओ की तरफ आना चाहते हैं उन्हें हमेशा एडवाइस करता हूँ कि ब्लू एंड गोल्ड से स्टार्ट करें। ये अच्छा एक आसान ब्रीडर है लेकिन फिर भी 3 साल लेता है और बुक्स यही कहती हैं कि 3 साल में मेच्योर होता है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू एंड गोल्ड का एक पेयर ऐसा भी है, एक फीमेल जिसे मैंने 18 महीने में ब्रीड कराया था, लेकिन पहले साल वो अनफर्टाइल रही थी, नेक्स्ट ईयर उसने फर्टाइल कर लिए थे। और इसी तरह
एक पैर मेरा कुछ तकरीबन 22 महीने की फीमेल थी और 30 महीने का मेल था, और वो भी फर्टाइल पहले साल ही हो गया था। जुबैर भाई केज साइज क्या दे रहे हैं आप? केज साइज मकाओ को दो तरह के साइज मेरे पास हैं, जो मैंने सीमेंटेड में फिक्स बनाए हुए हैं वो 5 फुट चौड़े हैं, 5 फुट ऊंचे हैं और 10 फुट लंबे हैं, और वो ये आपके साइड पे हैं सारे। ये ऊपर जो सारे हैं मकाओ के केजेस हैं, ये 5, 5, 10 के हैं, और जो सस्पेंडेड में मैंने बनाए हुए हैं वो पार्ट आपको अभी मैं ऊपर दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला, उसमें 5, 5, 8 के हैं, वो सारे सस्पेंडेड हैं। बार बार ये बताएं कि टेम बर्ड अच्छा ब्रीडर है या वाइल्ड बर्ड अच्छी ब्रीडिंग करता है? देखिए, इस हवाले से हमारी बदकिस्मती है कि हम इस चीज़ को समझते नहीं हैं। हम वाइल्ड पेयर ले कर जमा करते हैं और 10-10 साल 12-12 साल उसको रख लेते हैं, ना उसकी एज का हमें अंदाज़ा होता है, ना उसकी हमें हेल्थ का होता है, और बड़ा मुश्किल से वो ब्रीड करता है। जबकि उसके मुकाबले में जो कैप्टिव बर्ड है ब्लूंड गोल्ड, 2.5 से 3 साल में ईजीली हमारे माहौल में ब्रीड करता है। इस तरह ग्रीन विंग जो है 5 साल में ब्रीड कर लेता है, स्कारलेट भी 3 से 4 साल में ब्रीड कर लेता है। कैप्टिव बर्ड की ब्रीडिंग बहुत आसान है, लेकिन एक चीज़ जहन में रखने वाली है, कैप्टिव से मुराद वो बर्ड हैं जो फुली टेम ना हो। फुली टेम से मुराद है कुछ बर्ड एज ए कंपेनियन इंसान को अपने साथ अपना साथी चुन लेते हैं, अगर आप उनसे उनको अलग करते हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, अपने फीडर भी ख़राब करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे बर्ड होते हैं जो कभी आपको हल्का फुल्का काट भी लेते हैं, थोड़ा सा आपसे डरते भी हैं, लेकिन कैप्टिव ब्रीड के होते हैं वो बर्ड, बहुत बेस्ट होते हैं ब्रीडिंग के हवाले से। जुबैर भाई ये बताएं कि मकाओ फैमिली में सबसे टफ ब्रीडर कौन सा परिंदा है? ग्रीन विंग सबसे टफ है, एक रेड वैली है, लेकिन वो क्योंकि अवेलेबल नहीं है ना ही उसकी मार्केट वैल्यू है, इसलिए उसको कंसीडर नहीं करते। ग्रीन विंग बहुत टफ ब्रीडर है मकाओ में सबसे ज़्यादा। जुबैर भाई ग्रीन विंग कितनी एज में ब्रीड के काबिल हो जाता है? ग्रीन विंग अगर कैप्टिव हो तो 5 साल में वो ब्रीड के काबिल होता है, अगर वाइल्ड हो तो वाइल्ड में अगर हो तो 10 साल पूरे लेता है अपनी ब्रीडिंग में जाने के लिए। और स्कारलेट मंगाओ? स्कारलेट भी 3 साल में रेडी हो जाता है। इसमें कश्मीरी भी मौजूद है, इनके बारे में बताएं। राज जो हैं पिछले साल मैंने कोई 80 पीस रोके थे अपने घर के पट्टे, तो उसमें से ये कोई 22 पीस हैं जो मेल एक्सेस हो गए थे, तो वो मैंने बजाय बेचने के अपने पास रखे हुए हैं, तो इस साल कुछ बच्चे और रोकूंगा तो उसमें से फीमेल्स पूरी कर लूँगा। जुबैर भाई आप कश्मीरी का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए बहुत ही अच्छा बर्ड है, और बर्ड की हॉबी को प्रमोट करने में राह का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर ये अपने जो आजकल छोटे मोटे क्राइसिस चल रहे हैं उससे निकल गया तो ये बड़ा स्टेबल बर्ड है, और ये बेस लाइन है आपको छोटे बर्ड से बड़े बर्ड में ले जाने के लिए, कम से कम आपके फार्म के खर्चे पूरे कर देता है। ग्रे पैरेट माशाल्लाह बहुत अच्छा बर्ड है ब्रीडिंग के हवाले से, थोड़ा सा चूजी बर्ड होता है, ये अपने पैर को खुद सेलेक्ट करता है, फीमेल मेल को सेलेक्ट करती है, और अगर हम उसको ये ऑप्शन दे दें तो अनफर्टिलिटी के इसके जितने इशूज़ हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और ये बच्चे बहुत अच्छे पालते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ज़्यादातर फोर्स पेयरिंग करते हैं, हम एक मेल पकड़ते हैं फीमेल लगा देते हैं, जिसकी वजह से पेयरिंग में हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ब्रीडिंग में होती है, फिर हम कहते हैं हमारा पेयर ब्रीड नहीं कर रहा। ग्रे की एक ख़ास टेक्निक है ब्रीड कराने की, आप उसको सीज़न के अंदर केजेस में लाते हैं, आप उसके बाद अगर उसको एवरी नहीं भी दे सकते, आपके पास जगह मौजूद नहीं है, तो फिर भी आपने उसको कम से कम ये ब्रीडिंग सीज़न का और ऑफ ब्रीडिंग सीज़न का एहसास दिलाना होता है कि अगर आपके पास केजेस ही हैं तो आपने उन्हें पार्टीशन दी हुई है, तो जो नॉन ब्रीडिंग सीज़न है तो आप उसमें उसकी पार्टीशन को मूव करेंगे। दूसरी बात यह कि ग्रे को हम क्योंकि हाई फैट देते हैं, ये हाई फैट खाने वाला बर्ड है, अगर हम इसको फ्लाइंग नहीं देते तो ये 2-3-4 साल बाद फैटी हो जाता है, जिसकी वजह से एग अनफर्टाइल हो जाते हैं, फीमेल अंडे देना बंद कर देती हैं, तो इसके लिए थोड़ी सी साल में 1-2 महीने उसको फ्लाइट देना ज़रूरी है बर्ड की हेल्थ के हवाले से और फ्यूचर ब्रीडिंग के हवाले से। जुबैर भाई आपके पास ग्रे के कितने पेयर मौजूद हैं? मेरे पास 32 हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ब्रीड हैं। मैं बहुत से फार्म विजिट कर चुका हूँ, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर पेयर होते हैं वो ब्रीड नहीं कर रहे होते, लेकिन माशाल्लाह आपके पास सारे बर्ड ब्रीड कर रहे हैं, इसकी क्या वजह? देखिए एक तो मेरे पास ये बर्ड्स काफ़ी पुराने हैं, 2003-2004 के, और मैंने उसमें कोशिश की थी कि इनकी मर्ज़ी की पेयरिंग की जा सके, जिसमें फीमेल अपना पार्टनर खुद सेलेक्ट कर ले। उसके बाद ये थोड़ा क्योंकि चूजी बर्ड है, इसमें अपने केज को भी देखना होता है कि मुझे पसंद है कि नहीं पसंद है, फिर इसकी ब्रीडिंग में डाइट बहुत मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को हमें कम अवेयरनेस है, क्योंकि हाई फैट टेकिंग बर्ड है, तो हम इसको वो फैट का लेवल नहीं देते,
वो प्रोटीन का लेवल नहीं देते जो ब्रीडिंग के लिए जरूरी है, तो उस वजह से भी अक्सर ये ब्रीड नहीं कर रहा होता। और आप कौन सा बर्ड रिकमेंड करेंगे, ग्रे में, टेम या वाइल्ड? ग्रे में, क्योंकि मैं अब कुछ अपने बर्ड्स टेम बर्ड बड़े कर रहा हूँ, तो अभी तक मैं अपने टेम बर्ड को ब्रीडिंग तक नहीं पहुँचा सका, लेकिन उसमें जितनी मैंने बुक्स से स्टडी की है उसके अंदर जो कैप्टिव ब्रीड है बर्ड, वो बहुत अच्छा ब्रीड पे आ जाता है। लेकिन कैप्टिव से फिर वही मुराद है जिसको आप पेरेंट से रेयर कराते हैं या हैंड रेयर करते हैं और उसके बाद केज में डाल देते हैं, वो बर्ड मुराद नहीं है जिसको आप एज ए पेट अपने पास रख लेते हैं और उसे खेलते हैं, अपने घर का फर्द बना लेते हैं, वो बर्ड ब्रीडिंग में हमेशा तंग करते हैं। कैप्टिव बर्ड से मुराद वो बर्ड है जिसको आप हैंड रेयर करने के बाद या पेरेंट से बाद केजेस में रखते हैं और उनकी फिर पेयरिंग करते हैं, और उस वक्त भी मेल अलग रखने होते हैं, फीमेल को अलग छोड़ना होता है, और 3 साल के बाद आपने उसकी पेयरिंग करनी होती है। ये वायलेट रिसेसिव पाइड है, ये मेरे घर के ही हैं, अब इस वक्त 2.5 साल के हो गए हैं, सात वाले केज में इनके पेरेंट्स हैं, अब इस वक्त ये अडल्ट, अगले साल इंशाल्लाह ताला ये ब्रीड करेंगे। सात वाले पेयर के 3 बच्चे अभी भी निकले हुए हैं, पिनों पे हैं, और बहुत अच्छा बर्ड है माशाल्लाह। ये जुबैर भाई, इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? ये मार्केट वैल्यू इसकी कुछ 4 लाख के करीब करीब है। कबाड का मेल है और कबाड की फीमेल है, और फीमेल के हेड देख लें, बहुत अच्छे डार्क हेड हैं ये सारे, और ये बच्चे उपलाइन कबाड या वायलेट निकालते हैं। कितने क्लच कर रहे हैं आपके पास? ये 2 क्लच कर लेते हैं, 200 पर मैं कराते ही नहीं हूँ, फ़ायदा कोई नहीं है, बर्ड ख़राब हो जाता है जी। जुबैर भाई, जिस तरह से जून का इख्तिताम है और आपने बॉक्स लगा रखा है, आप यहाँ पे खुद भी खड़े हैं, ये जो मेरे केजेज हैं ये इसके ऊपर भी स्टोरी बनी हुई है, ये काफ़ी ठंडे हैं, तो ये अप्रैल के करीब ब्रीड स्टार्ट करते हैं, तो जुलाई तक ये चलते हैं यहाँ पे। ये कबाड के ही हैं, डीप कलर में हैं, डीप ब्लू हैं, और ये वायलेट निकालते हैं, अभी मैं आपको इनका बच्चा भी दिखाऊंगा, प्योर वायलेट निकलते हैं बच्चे इनके, हर क्लच में एक आधा बच्चा वायलेट ज़रूर निकालते हैं ये। इसके साथ वाला पेड़ भी आप देखिए, वो भी, ये सारे इम्पोर्टेड हैं, आज 2016 में मैंने ये परचेज किए थे, 143 पेयर। बारे में बताएं, ये क्रीमिनो का जोड़ा है, एक सिंगल फैक्टर की फीमेल है, डबल फैक्टर का मेल है, और मेल के भी बहुत अच्छे कलर हैं ये। जुबैर भाई, आपके पास रिंग नेक में कितने पेयर मौजूद हैं? मेरे पास तकरीबन 70 के करीब पेयर होंगे रिंग नेक के। फ्यूचर में बढ़ाने का इरादा है आपका? मेरा क्योंकि मकाऊ का शौक है और ग्रे में पर बहुत अच्छे ब्रीड करते हैं, बढ़ाऊंगा तो मैं ग्रे और मकाऊ में, लेकिन ये मैंने क्योंकि रखे हुए बड़े अरसे के, तो इन फार्म के खर्चे वगैरह आसानी से ये निकाल देते हैं, इसलिए रखे हुए हैं ये। ये बॉक्सेस की लाइन है, यहाँ पे रिंग नेक के सारे बॉक्स लगे हुए हैं, और आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे माहौल टेम्परेचर बिल्कुल कंट्रोल है और बड़ा ईजी है, तो इस वजह से मेरे पास रिंग नेक जो हैं वो अभी भी ब्रीड कर रहे होते हैं, जैसे कि आप इस बॉक्स में देखेंगे, ये कबाड़ का बच्चा है, और आपका हेड भी देखें माशाल्लाह। ये देखिए इस बॉक्स में ये वायलेट का बच्चा निकला हुआ है इस वक्त, एक ही पेयर के बच्चे हैं, आप ये चेक कर लें, और इसका हेड भी देख लें, डार्क है, एक वायलेट है और एक कबाल्ट है। जुबैर भाई, क्या कोई चिक्स वगैरह फॉर सेल भी हैं हमारे व्यूवर्स के लिए? अभी तो इस वक्त 8 से 10 बॉक्सेस में बच्चे हैं, लेकिन वो सारे बुक हैं, अवेलेबल मुश्किल से होंगे, कुछ रिंगनेक के पेयर शायद हों, तो वो मैं देखूंगा अभी सीज़न शुरू होने से पहले, तो फिर मैं बता सकूँगा जी, रब्ता किया जा सकता है जी बिल्कुल। जुबैर भाई, केज साइज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं आप? केज जो रिंगनेक को दिया हुआ मैंने 2.5 फुट चौड़ा है, 2.5 फुट ऊंचा और 10 फुट गहरा है, ताकि ये फ्लाई पूरे तरीके से कर सकें। और बॉक्स साइज क्या दे रहे हैं, बॉक्स साइज क्या दे रखा आपने? बॉक्स जो रिंगनेक का साइज जो मार्केट में चल रहा है वही सेम साइज है, और डाइट में क्या दे रहे हैं आप? डाइट में रिंगनेक को मेरी एक आदत है कि मैं
फ्रूट और वेजिटेबल, वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, 90% वेजिटेबल्स ही होती हैं। फ्रूट में सब मैं सिर्फ वाटरमेलन डाल रहा था, वो भी सीज़न तक में ऑफ हो गया। जो सीज़न आजकल चल रहा है उसमें इसमें खीरा घिया, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनको जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो दिए जा सकें। और सब्ज़ी में पूरा साल्ट डालता हूँ मैं, कोई एक दिन भी मिस नहीं करता, क्योंकि बड़े रिंगनेक जो है बड़े शौक के साथ वेजिटेबल्स को खाता है। रिंगनेक लगे हुए हैं और थोड़े से सनक्रोर में लगा रहा हूँ, ऐसा सब ऐड कर रहा हूँ, और रा लगे हुए हैं, तीन चीज़ें लगी हुई हैं इस लाइन में। सनक्रोर के कितने पेयर मौजूद हैं आपके पास? सनक्रोर के मैंने अभी लगाने शुरू किए हैं, अभी तो एक पेयर खरीदा है, कल दो पेयर और खरीदे हैं, तो इंशाल्लाह ताला इरादा है कि इस सीज़न के एंड तक कोई 30-35 पेयर जो है सनक्रोर के ऐड कर लूँगा। सुबैर भाई, आप सनकनोर का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? सनकनोर मैं समझता हूँ कि स्टेबल बर्ड है और बड़ा खूबसूरत बर्ड है। अगर आप ज़्यादा पेट रखना चाहें, ब्रीडिंग के हवाले से रखना चाहें, ये दोनों काम आ सकता है। वैसे भी इस लाइन में ना एक और भी बड़ी मैंने की हुई है चीज़ कि आप ऊपर देखेंगे अगर, तो इसके ऊपर शावर लगे हुए हैं सारे, फोगर हैं, तो जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं फोगर्स को ऑन करता हूँ, भी आपको करके भी दिखाऊंगा। तो ये तमाम केजीज पर ऑटोमेटिक जो है वो सारी वाटर का स्प्रे होता है। जुबैर भाई, ग्रीन रिंग नेक, आप फोस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, मैंने एज ए फोस्टर ये लगाए हुए हैं कुछ पेयर, ये भी मैंने बच्चे लिए थे जिनको बड़ा किया, और ये रिंग नेक के एज ए फोस्टर यूज़ होते हैं। ये भी मैंने कनोड लगाने शुरू किए हुए हैं, ये 5-5, 6-6 महीने के सारे पट्टे हैं, और दूसरी तरफ जो हैं वो डल्ट पेयर हैं। इसमें पाइनएप्पल भी हैं और जो येलो साइडेड भी हैं, और इसमें ब्लू सैनिमन और पाइनएप्पल से निकले हुए बच्चे भी हैं। जुबैर भाई, ये केज साइज क्या मौजूद है सामने? ये इसमें 2.5-2.5-5 के भी केज हैं और 3-3-6 के भी हैं। इसमें से कुछ बर्ड एवरी में गए हुए हैं, कुछ नीचे पड़े हुए हैं, तो ब्रीडिंग सीजन में ये सारे इधर बर्ड जो होंगे वो इधर होंगे, क्योंकि ऊपर ज़रा गर्मी ज़्यादा होती है, तो बर्ड को मैं नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे कॉकटेल नज़र आ रहे हैं, थोड़ा इनके बारे में बताएं। कॉकटेल मेरा शौक है, तो मैंने 15 पेयर फैलो के लगाए हुए हैं, इसमें कुछ येलो फेस भी हैं, तो ये सर शौक के लिए लगाए हुए हैं, और इनको थोड़ा सा मैं मेरा केजेस भी अवेलेबल हैं, तो इनको साथ साथ बढ़ाऊँगा। जी जुबैर भाई, ये बताएं, कॉकटेल मार्केट एकदम से तबाह हो गई, इसमें आप जिम्मेवार किसको समझते हैं? लबर्ड को जी। लबर्ड में इतना बूम आया, लबर्ड ने जहाँ पे बर्ड की हॉबी को बहुत प्रमोट किया, मैं समझता हूँ कि लबर्ड ने बर्ड की हॉबी में बहुत लोग इन किए हैं, और वो लोग ऐसा ऐसा तमाम बर्ड्स की तरफ शिफ्ट होंगे। कुछ लोगों का ख्याल है कि लबर्ड के इतने बूम आने की वजह से शायद हॉबी को नुकसान पहुंचा है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। मैं समझता हूँ कि लवबर्ड ने बर्ड की हॉबी में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। अगर फॉर एग्जांपल 100 लोगों ने बर्ड्स रखे हुए थे, कि लवबर्ड के आने की वजह से टोटल जो हॉबी की क्वांटिटी है लोगों की, फार्मर्स की, वो 100 से 200 पे चली गई है, डबल पे चली गई है। तो इवेंचुअली फ़ायदा सबको होगा, क्योंकि यही लोग हैं जो रा पे आएंगे, रिंगनेक पे आएंगे, मकाओ पे जाएंगे, ऐसा शिफ्ट होंगे, क्योंकि लवबर्ड से अच्छे पैसे लोगों ने कमाए हैं। जुबैर भाई, जब से मैं आया हूँ मैं सुनने लगा हूँ जिस तरह कॉकटेल की जगह लवबर्ड ने ली है, लवबर्ड पे भी जवाब आएगा, ये ख़त्म हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, टका टोकरी हो जाएंगे, लेकिन अभी तक लवबर्ड टिका हुआ है, इसकी क्या वजह है? देखिए, लवबर्ड पे ना कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने ना सिर्फ खुद पैसे कमाए हैं, उन्होंने लोगों को भी एजुकेट किया है, मोटिवेशन पे एजुकेट किया है, सोशल मीडिया के ज़रिए एजुकेट किया है, उन्होंने वो लोगों को साथ लेके चले हैं। उन्होंने अगर खुद पैसे कमाए हैं तो उनकी वजह से भी हज़ारों लोगों ने साथ पैसे कमाए हैं, जिसकी वजह से लवबर्ड स्टेबल है। कुछ मार्केट डाउन ज़रूर हुई है, वो भी वही मार्केट डाउन हुई है जो बिला वजह ऊपर गई हुई थी। मेरा ख्याल है कि लवबर्ड सर्वाइव कुछ हद तक कर जाएगा, क्योंकि अगर आप एल्बिनो देखें, उसका रेट कल भी वही था, आज भी वही था, 26 साल मुझे बर्ड रखते हो गए हैं, एल्बिनो हमेशा ही टॉप पर है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि लवबर्ड चलता जाएगा, क्योंकि बीच में से कुछ लोग स्किप होके दूसरे बर्ड्स लगाने लग पड़ेंगे, लोगों ने उससे पैसा कमाया है, और अब लोग बर्ड की तरफ रहेंगे, वो लोग निकलेंगे नहीं इस साइकिल से। वाइट आई कनोर का पेयर है, डीएनए पेयर है, इसमें फीमेल भी थोड़ी सी छोटी है, अगर आप मेल को और करेंगे तो उसके नेक पे आप देखेंगे रेड डॉट आ गए हैं, अभी फीमेल के नहीं आए, तो मेरा ख्याल है 6 महीने लेगी, तो मैंने अपने शौक के लिए लगाया हुआ है, मुझे अच्छा लगता है, और ये एज ए हॉबी रखा हुआ है।
सैनीमैन का मेल है और येलो साइडेड की फीमेल है। ब्रीड कर रहे हैं आपके पास? हाँ जी, ये ब्रीड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन और ये बच्चों में पाइनएप्पल ही निकाल रहे हैं ज़्यादातर रेड फैक्टर में। माशाल्लाह से ज़ुबैर भाई, जिस तरह से आजकल कनौर का ट्रेंड है तो माशाल्लाह से आपने भी ऐड कर रखा है। बहुत अरसे से है, कम हो गए थे, लेकिन आज से 8-10 साल पहले मेरा 50-60 पेड़ थे, फिर कम हो गए, लेकिन अब फिर मैंने दोबारा बढ़ा लिया। ज़ुबैर भाई, सुनने में आ रहा है इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। अगर सारे बर्ड वाले इसके पीछे नहीं पड़ जाएंगे तो फ्यूचर वाकई ब्राइट है। अगर सारे बर्ड लोग, जो हमारी हैबिट है कि अपने बर्ड ब्रीडिंग बर्ड निकाल के और कनौर की तरफ आ जाएंगे, तो लाम अल्लाह फिर इसको भी साल भर सफ़र करना पड़ेगा। ज़ुबैर भाई, कहा जा रहा है कि परिंदों पर जवाल स्टार्ट हो गया है, प्राइस गिर रही है, प्राइस डाउन हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ जो लोग ये बात करते हैं उनका बर्ड में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि आप अगर 10-15 साल से बर्ड रख रहे हैं तो आपको पता होता है कि जो आपका जून जुलाई और 14 अगस्त तक का पीरियड होता है, उसमें कभी भी ऐसा कोई साल नहीं आया कि रमज़ान आ जाए और बर्ड की कीमतें नीचे ना जाए। ये एक नेचुरल कुदरती अमल है कि जिसमें गर्मी ज़्यादा होती है, लोगों ने बर्ड संभालना मुश्किल होता है, लोग बाइंग नहीं करते, बर्ड के रेट नीचे जाते हैं। वो 20 साल पहले भी जाते थे और आज भी नीचे जा रहे हैं। जैसे ही 14 अगस्त गुजरेगी आप देखिएगा बर्ड के रेट दोबारा स्टेबल नहीं बल्कि से ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। और वक्त के साथ आप देखिए कि जो रेट एक महीना पहले नीचे थे वो काफ़ी सारे स्टेबल हो गए हुए हैं और आने वाले 10-15 दिनों में ये और स्टेबल हो जाएंगे। ज़ुबैर भाई, कोरोना के दौरान परिंदों की कीमतों में एक्स्ट्रा बूस्ट हुआ था, उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? मुझे कुछ 26 साल हो गए हैं बर्ड रखे, मैंने ऐसी प्राइस में इंक्रीज कभी भी नहीं देखा, और उसमें से बहुत सारे बर्ड अपनी जगह पर कायम हैं। तो आई लव बर्ड के थोड़ा सा नीचे गया, अगर मकाऊ का जोड़ा 4 लाख का था तो कोरोना में वो 6-6.5 लाख का हो गया। तो अभी भी ब्लू एंड गोल्ड का जोड़ा आपको 6 लाख के करीब करीब मिलता है, क्योंकि लोगों के पास और कोई बिजनेस था नहीं करने को, और लव बर्ड पर कोई लोगों ने बड़ी मेहनत की थी जिसकी वजह से लोग बहुत सारे बर्ड्स के अंदर आए, और कुछ मकाऊ की तरफ आ गए, कोई ग्रे की तरफ आ गए, और लोगों ने समझा कि हम घर बैठे हुए हैं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट तो मौजूद है, तो ये कारोबार तो हम घर बैठ के कर सकते हैं और एज ए पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इसको फुल टाइम देना है, आपका कोई और बिज़नेस भी चल रहा है तो उस वजह से पार्ट टाइम इजीली कर सकते हैं और अच्छी खासी पॉकेट मनी आप इसे अर्न कर सकते हैं। रेड वाइटल ब्लू का मेल है और मूव वायलेट की ये फीमेल है जो कबार्ड में से निकली हुई है। ये मेरे घर की फीमेल है, मैंने बड़ा किया है। ब्रीड कर रहे हैं ये? ये इस साल अब जवान हुए, अगले साल इंशाल्लाह ताला ये ब्रीड करेंगे। इसका रिजल्ट इस साल उन्होंने एग दिए थे और उन्होंने डेड एंड सेल कर दिए, तो मुझे इसका रिजल्ट नहीं पता चल सका, लेकिन अगले साल जरूर पता चलेगा। लेकिन एक्सपेक्ट क्या है कि रिजल्ट आएगा क्या? इसमें चांसेस हैं कि ब्लू और कबार्ट आएंगे, लेकिन वो स्प्लिट वाइट वाइटल ब्लू होंगे, क्योंकि फीमेल जो है वो पेस्टल भी है, तो उसके जो बच्चों को फर्दर करूँगा तो उसमें मैं क्रीम हेड निकाल सकता हूँ। ज़ुबैर भाई, आपके पास ये रंप का पेयर नज़र आ रहा है, मैं मार्केट तकरीबन 4 साल होने वाले हैं, मैं मुसलसल कवर कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि इस पेयर की डिमांड नहीं है रंप की, इसकी क्या वजूहत है? देखिए, बहुत ही खूबसूरत बर्ड है, मैंने अपनी हॉबी के लिए रखा हुआ है, और मैं इसकी डिमांड ना होने का जिम्मेदार लबर्ड को समझता हूँ, कि लबर्ड में इतना बूम आया और इतने पैसे आए जो कि अभी भी मौजूद हैं, कि लोगों ने इनको छोड़ के लबर्ड की तरफ चले गए, जैसे रुजीला है, बहुत सारे बर्ड हैं जो लबर्ड की वजह से पीछे को चले गए, लेकिन बर्ड की खूबसूरती के लिहाज से बहुत अच्छा बर्ड है ये। ट्रैटोन का पेयर है अल्हम्दुलिल्लाह, ब्रीडर पेयर है, और माशाल्लाह बड़े अच्छे क्लच, 2 से 3 क्लच इजीली कर लेता है। ज़ुबैर भाई, केज साइज क्या दे रखा है आपने? ये 5-5-8 है। ज़ुबैर भाई, आपके पास सीमेंट वाले केज भी मौजूद हैं, लोहे वाले भी हैं, लेकिन आप कौन से रिकमेंड करना चाहेंगे? देखिए, दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर सीमेंटेड केज में नीचे कोई चीज़ गिर जाती है और बरसात का मौसम है और आप फोगर स्पेशली चला रहे हैं, वाटर का स्प्रे कर रहे हैं, तो वो फौरन गर्मियों में फौरन उस पर फंगस लग जाती है। अगर तो आपकी क्लीनिंग बहुत अच्छी है या आपने नीचे मड दी हुई है, मिट्टी में दी हुई है, फिर तो आप फिक्स केजेस में जा सकते हैं और उसमें कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। लेकिन अगर आप कुछ अरसे बाद समझते हैं कि मैं इस केजेस को चेंज करना चाहता हूं, तो सिमेंटेड केज ना बिक सकते हैं ना चेंज हो सकते हैं। सस्पेंडेड केज में ये है कि बर्ड जल्दी बीमार नहीं होता, दाने का ज़ाया ज़रूर होता है, लेकिन जो वो खा लेता है वो
कंज्यूम हो जाता है, बाकी फ्रेश पे आ जाती हैं और सफाई करना बहुत आसान काम है। जुबैर भाई, आजकल एक टॉपिक स्टार्ट हुआ हुआ है कि परिंदों को बाहर भेज के एक्सपोर्ट करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलियन फिशर लव बर्ड जो छोटी छोटी म्यूटेशन है, कॉकटेल वगैरह, ठीक है, इन्हें क्या बाहर के मुल्क भेज के पैसा अच्छा जनरेट किया जा सकता है? देखिए, बर्ड्स में दो कैटेगरी हैं, एक स्मॉल बर्ड की कैटेगरी है, एक लार्ज बर्ड की है। जो स्मॉल बर्ड है वो नॉन साइटस बर्ड है, जिस पर WWF की कोई पाबंदी नहीं है, वो तो पाकिस्तान से पहले एक्सपोर्ट हो रहे हैं, आज भी, कल भी, परसों, हमेशा से होते रहे हैं, और उनकी एक प्राइस है, वो उसी के करीब करीब ही चलते हैं। और जो बड़े बर्ड हैं उस पर आजकल लोग, बर्ड्स में बहुत प्रोफेशनल लोग आ गए हैं, लोग बहुत काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह से गवर्नमेंट से और इंटरनेशनली WWF से इजाज़त लेके साइटस के जो बर्ड हैं, जो कि आपके रास ऊपर के सारे बर्ड हैं, एग्जॉटिक बर्ड, हम उसकी, हमें उसकी परमिशन मिल जाए, और पाकिस्तान की जो हॉबी है, अगर ये परमिशन मिल गई तो ये बहुत ऊपर जा सकती है। और इस पर आजकल बहुत मेहनत हो रही है, पाकिस्तान के जो टॉप के इम्पोर्टर्स हैं और कराची के जितने टॉप ब्रीडर हैं, वो इस पर बहुत काम कर रहे हैं, और बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले कुछ अरसे में हमें ये इजाज़त मिल जाएगी और फिर पाकिस्तान में बर्ड एज ए इंडस्ट्री ग्रो करेगा इंशाल्लाह ताला। जिस तरह से सुनने में आता है कि जाल वाले परिंदा लेके वो भेजते हैं आउट ऑफ कंट्रीज, तो मेरा सवाल ये है कि फिर भी उनकी प्राइस इंक्रीज क्यों नहीं हो रही? ऑस्ट्रेलियन तोता अभी भी 300-400 रुपये का पेयर मिलता है, फिशर का जोड़ा अभी भी कराची में 2000-2500 का मिलता है, तो उनके मुताबिक अगर ये आउट ऑफ कंट्रीज जा रहे हैं तो रेट क्यों नहीं बढ़ रहे फिर? देखिए, बर्ड्स अगर सपोज कर लें, फॉर एग्जांपल, अगर फिशर है वो यहाँ से 2500 का जोड़ा ले रहे हैं और बाहर वो 10000 का बेच रहे हैं, तो आप उसमें देखिए कितने लोग उसे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। पहले ब्रीडर ने ब्रीड कराई, उसने अपना प्रॉफिट लिया, फिर वो गया जाल वाले को बेच आया, जाल वाले से ब्रोकर ने लिया, ब्रोकर से एक्सपोर्ट वाले ने लिया, एक्सपोर्ट से अगले मुल्क के एक्सपोर्ट वाले ने लिया, फिर उसने जाकर दुकानदार को दिया, फिर दुकानदार ने प्रॉफिट लिया और फिर एंड कंज्यूमर तक गया। वो जो बीच की जो प्राइस है जो इंक्रीज़ होती है, उसमें आपके 6 से 7 लोग हैं जिन्हें अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना होता है, इस वजह से वो इंक्रीज़ नहीं हो सक रही, क्योंकि वो बर्ड पहले ही बहुत सस्ता है और मज़ीद उसमें गुंजाइश नहीं रहती। अगर यही चीज़ अगर आप मकाओ या रिंगनेक पे लेंगे तो उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है। ग्रे पैरेट जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, इस साल 80,000 रुपये का तकरीबन साउथ अफ्रीका से एक्सपोर्ट हुआ है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और कुछ पाकिस्तान के भी ऐसे टॉप इम्पोर्टर हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका से लेकर रेस्ट वर्ल्ड में बेचा है, तो अगर पाकिस्तान को इसकी इजाज़त मिल जाएगी तो वो सारा बर्ड पाकिस्तान से लेकर भी एक्सपोर्ट कर सकते थे। ये भी माशाल्लाह ब्रीडर पेयर है, ये भी 2 क्लच कर रहे हैं आपके पास? 2 से 3 क्लच ईजीली कर देते हैं। ये ईजी ब्रीडर है या हार्ड ब्रीडर है ये? मैं तो समझता हूँ कि ट्राइटोन मैंने 8 जोड़े लिए थे, मेरे 7 ब्रीड हो गए पहले साल, तो मैं तो उसे इजी ब्रीडर ही कहूँगा। अब उसे आप मेरी लक भी समझ सकते हैं या अल्लाह, नंबर वन तो अल्लाह का फजल है, लेकिन बहरहाल मेरे पास 8 में से 7 ब्रीड हो गए। तो डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं, उसके बगैर तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बर्ड्स देखें ना, वाइल्ड में नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स खाते हैं। अगर हम उसको सनफ्लावर सीड या 4-5 तरह का दाना देते हैं, अगर आप इसी तरह वाइल्ड में उसकी डाइट देखें तो वो 300-400 सीड्स और ट्रीज़ की ब्रांचेज और मुख्तलिफ चीज़ों पर, इवन इंसेक्ट्स पर मुश्तमिल होती है। अगर हम कहें कि हमने फ्रूट वेजिटेबल और चीज़ें डाले हैं, बर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर सकते, खास तौर पे कैल्शियम की, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इंडोर बर्ड रखे हुए हैं, अगर वो कैल्शियम डाल भी देते हैं तो D3 सनलाइट के बगैर पूरा नहीं होता, तो आपको विटामिन थ्रू आउट द ईयर पूरे करने पड़ते हैं। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम यहाँ पर ज़्यादा जो हमसे गलती होती है, हम ब्रीडिंग सीज़न में तो बड़ी मेहनत करते हैं, तमाम तरह के विटामिन डालते हैं, बर्ड के नखरे उठाते हैं, हर चीज़ करते हैं, वो वक्त जो होता है उस वक्त जो भी हम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें उसका फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो वक्त गुजार चुका था। जो नॉन ब्रीडिंग सीज़न होता है, मेंटेनेंस सीज़न जो होता है, उसमें अगर मजबूत बर्ड लेके आएंगे, उसमें हम विटामिन का यूज़ करेंगे, उसकी खुराक पूरी रखेंगे जो जिस मुनासबत से उसको चाहिए। अगर वो बर्ड मोल्डिंग पे है, हम उसको प्रोटीन नहीं दे रहे, तो वो प्रोटीन अपनी बॉडी से लेगा, जब वो प्रोटीन अपनी बॉडी से ले लेगा तो बर्ड तो वीक होगा, फिर उसके बाद 2 महीने बाद जब वो बर्ड ब्रीड पे आएगा तो वो जो आपको एग्स देगा, वो उसमें जो एग में एम्ब्रॉयो होगा वो पूरा मजबूत नहीं होगा। बाद में हम कहते हैं कि हमारे अंडे सारे डेड इन शेल हो गए और हम वेदर को उसका कसूरवार ठहराते हैं, वो वेदर उसका कसूरवार नहीं होता, उसका कसूरवार कमज़ोर पेरेंट्स होते हैं। आपकी हैचिंग तमाम डिपेंड करती है कि आपके जो पेरेंट बर्ड हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कोई बंदा भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता।
और वो हर बंदा डेड इन शेल को रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ का समझता है कि वेदर की वजह से डेड इन शेल हो। जुबैर भाई, ये जो कैमरे लगे हुए हैं इतने सारे, ये किस लिए लगे हुए हैं? ये वैसे भी देखिए, ये सारा बड़े एग्जॉटिक बर्ड का सेटअप है। यहाँ पे मकाओ और काकाटूज होते हैं, और मैं समझता हूँ कि मकाओ और काकाटू को बगैर उसकी एक्टिविटी वॉच किए लगाना अपना वक्त का ज़ाया करना है। अगर दो बर्ड्स की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बन रही और हमारे पास कैमरे नहीं लगे हुए, तो हमारे पास कोई दूसरा सोर्स नहीं है। क्योंकि जब तक हम यहाँ पर आते हैं, बर्ड बॉक्स में चले जाते हैं या डर के बैठ जाते हैं, तो हम उसकी एक्टिविटी नहीं पता चल सकती। कैमरों से मैं मोनिटर कर लेता हूँ कि बर्ड की क्या एक्टिविटी है, और अगर कोई बर्ड एक्टिविटी नहीं कर रहा तो मैं पेयर वो चेंज कर लेता हूँ। अगर कोई क्रॉस हो रहा है या कोई किसी ने एग लेंग है तो मुझे उससे पता चल जाता है। ये आप देखिए, जैसे हम आए हैं यहाँ पे और ये फौरन अपने बॉक्सेस में ज़्यादातर बर्ड चले जाते हैं। काकाटू के आपने कितने पेयर लगा रखे हैं? काकाटू के ये मीडियम सल्फर का पेयर है, 8 पेयर ट्राइट्रोन के हैं और 2 पेयर मीडियम सल्फर के हैं। ये ट्राइट्रोन का पेयर है, सर मोल्डिंग पे आया हुआ है, और ये भी माशाल्लाह ब्रीडर पेयर है। आप देखिए, क्योंकि आजकल इनके शावर रोज हो रहा है, आप इनके पर देखेंगे बिल्कुल वाइट हैं, और इस वजह से दोनों पीस मोल्डिंग पे हैं। बॉक्स साइज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? बॉक्स साइज जो है इसे मैंने मकाओ वाला ही लगाया हुआ है, क्योंकि ये इसे इसको भी ये आसानी से ले लेता है, और ये 4 फुट ऊंचा है और 3 फुट जो है इसका चौड़ाई है। ये मकाओ वाला एल साइज का बॉक्स है, लेकिन एल भी मैं लगा लेता हूँ, रेक्टेंगुलर भी दोनों इन्हें यूज कर लेता हूँ। जुबैर भाई, मैंने देखा है अक्सर काकाटू अपने बाल वगैरह उतार देते हैं, ठीक है, अपने आप को काटते हैं, तो ये इसकी क्या वजह है? इसमें 2-3 वजूहत होती हैं। एक उसको स्किन एलर्जी है, नंबर 2 अगर उसमें कोई टिक्स हैं किसी किस्म के, जुए हैं, तब भी वो उनसे लड़ने के लिए अपने पर नोचता रहता है। और सबसे बड़ी जो पाकिस्तान में वजह है, वो बर्ड को हम खेलने के लिए, एक्टिविटी के लिए कोई चीज़ नहीं देते। कि अगर हम देखें वाइल्ड में बर्ड अपनी खुराक ढूंढने जाता है, और 5 से 6 घंटे उन्होंने एवरेज हर बर्ड अपनी खुराक ढूंढने में लगाता है, उसका बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। अब जैसे ये केज है, उसमें हमें चाहिए कि अपने को टॉयज इंस्टॉल करें, बर्ड की एक्टिविटी जनरेट करें। अब हमारे पास जो फूड हमने बर्ड को दी होती है, वो सिर्फ उसने कंज्यूम करनी होती है, उसने किसी सीड से निकालनी नहीं होती, कोई मेहनत नहीं करनी होती वाइल्ड में। तो उसको मेहनत करके सीड भी, इवन खुराक उसे मिल भी जाए तो उसके लिए भी उसे मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ बर्ड जो मैं समझता हूँ, ये जो अपने पर काकाटूज वगैरह ख़राब करते हैं, ये सिर्फ इस वजह से करते हैं कि ये बोर हो जाते हैं, तो इनकी एक्टिविटी बनाने की ज़रूरत है। ये येलो क्राउन और मैली के पीस हैं, ये मैंने पिछले साल ख़रीदे थे, अभी एज में थोड़ा थोड़े से कम है, तकरीबन उन्होंने ये सीज़न और लगना है, तो मैंने इन्हें सिर्फ रखा हुआ है अभी, कि इंशाल्लाह ताला इन्हें नेक्स्ट सीज़न में पेयर अप करूँगा। जी जुबैर भाई, कहा जाता है कि ये हार्ड ब्रीडर होते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। अमेजोन मैंने कुछ 4-5 साल पहले ब्लू फ्रंटेड लगाए थे 2 पेयर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दोनों ब्रीड हो गए थे, फिर मैंने बहरहाल वो सेल कर दिए। उसके बाद अब मैंने ये लगाए हैं, तो अब मैं आपको 1.5 साल भी बता सकूँगा, मेरा तो ख्याल लोगों के पास ब्रीड कर रहे हैं। सिर्फ यही होता है, आपने को जो डाइट रिक्वायर्ड है वो डालनी होती है, बर्ड ब्रीड ज़रूर करता है। और ये ब्लू एंड गोल्ड का पेयर है, ये नए पेयर हैं, अभी बच्चों से बड़े हुए हैं, तो मैंने इसलिए लगाए हुए हैं कि शायद इसमें कोई, ये क्योंकि ये समर का जो वेदर होता है, मकाऊ की ब्रीड के स्टार्ट करने के लिए बेस्ट होता है, तो कर जाइए। ऑरेंज विंग अमेज़ॉन है, अभी इसमें फीमेल अभी छोटी है, ये नेक्स्ट कमिंग सीजन में इंशाल्लाह ताला एडल्ट हो जाएगी। और इसके बारे में बताएं। ये भी अभी एडल्ट हुए हैं पेयर, अब ये 3 साल से ऊपर का पेयर है, इंशाल्लाह ताला इस सीज़न में अल्लाह के फजल से ये भी ब्रीड करेगा। ये रेड फ्रंटेड और रेड बेली, ये पेयर अप तो नहीं किए हुए, ये वैसे 2 बर्ड्स पेयर रखे हुए हैं, इनको सीज़न में दोनों को जो है दूसरा बर्ड दूंगा इंशाल्लाह ताला। ये भी ब्लू एंड गोल्ड हैं, बच्चों से बड़े हुए हैं और चांस पे लगाए हुए हैं कि स्टार्ट हो जाएं, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में मेरे जितने भी मकाओ के बर्ड स्टार्ट हुए हैं, वो ज़्यादातर जून जुलाई अगस्त इन मंथ्स में हुए हैं। तो जो नया पेयर अप होता है, तो मैं उसे एवरी में नहीं छोड़ता, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको इस समर में भी रखा जाए, ताकि वो ब्रीड पर आ जाए। इस तरह ये भी, इसने एक क्लच किया है जहा, बिल्कुल बच्चों से पेयर तैयार हुआ है, और इंशाल्लाह ताला अगले सीज़न में उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट देगा। ये ट्राइट्रोन का पेयर है, ब्रीडर पेयर है, इसका मकाओ नीचे चला गया हुआ एवरी में, ये भी नीचे एवरी में चला गया, ये भी बर्ड नीचे एवरी में चले गए हैं। ये ट्राइट्रोन है,
ये भी ब्रीडर पेयर है, ये आगे ये भी एवरी में चले गए हैं बर्ड, ये भी एवरी में चले गए हैं, ये भी एवरी में चले गए हैं, ये बर्ड भी एवरी में चले गए हैं, ये आगे फिर ट्राइट्रॉन है, ये भी ब्रीडर पेयर है माशाल्लाह, ये बर्ड भी एवरी में चला गया, ये भी ट्राइट्रॉन है, ये भी माशाल्लाह ब्रीडर पेयर है, ये मीडियम सल्फर का एक मेल पड़ा हुआ ब्रीडर मेल है, ये भी माशाल्लाह ट्राइट्रॉन का पेयर है, आगे मीडियम सल्फर का। दुबई भाई माशाल्लाह से आपका फार्म विजिट किया, माशाल्लाह से बहुत मजा आया, अल्लाह पाक आपके शौक को नजरे बद से बचाए। दुबई भाई सबसे पहले आप अपनी लोकेशन बता दें। लोकेशन गुजरांवाला सिटी की है और थोड़ा सा मैं मसरूफ़ होता हूँ, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ से जो बंदा मेरे से रब्ता करना चाहे वो जरूर कर सकता है 0300-842-7071। जुबैर भाई वीडियो अख्ताम करने से पहले मैं चाहूँगा, बहुत से दोस्त ख्वाहिशमंद होते हैं कि ब्रीडर पेयर ने पेयर आते साथ अंडे बच्चे कर दे, तो उनके लिए पैगाम दे दें आप। देखिए इसमें एक चीज़ बड़ी वाजह है कि जो बर्ड्स हैं वो एक लाइक स्टॉक है और ये मशीन नहीं है कि आपने इसमें रॉ मटेरियल डालना है तो उसने आपको प्रोडक्ट निकाल के बाहर दे देनी है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। जब नया बर्ड आप लेते हैं उसने क्लाइमेटाइज होना होता है, उसने आप जो खुराक दे रहे हैं उसको देखना होता है, ब्रीडिंग बॉक्स उसको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रीडिंग पेयर किसी के घर से उठा के लाएँ और आप किसी भी जगह डाल के आप कहेंगे वो बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा, मैं तो अंडे बच्चे देख के बेशक आप लाए हों, तो बर्ड टाइम लेता है, ये ज़िंदा चीज़ है, इसके साथ आपको मेहनत करनी पड़ती है फिर ही ये बर्ड जो है वो साथ चलता है। ये इतना कोई आसान काम नहीं है कि आप समझे कि बस मैंने पेड़ लगा दिया है और मैंने दाना पानी रख दिया तो अब मैं बस बच्चे गिनना शुरू कर दूं, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो बहर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपसे हम लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।